मथुरा के जिलाधिकारी पुलकित खरे यमुना को अविरल और प्रदूषण मुक्त कराने को लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते आज गुरुवार को जिलाधिकारी पुलकित खरे ने एसटीपी प्लांट मसानी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जल निगम के जेई द्वारा जानकारी न उपलब्ध कराने पर नाराजगी जताई, वहीं इस दौरान मिली कमियों को सुधारने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मजिस्ट्रेट निरंतर भ्रमण कर एसटीपी प्लांट मसानी का निरीक्षण करें, प्लांट को निरंतर व नियमित रूप से 24 घंटे संचालित कराएं। यमुना जी को स्वच्छ रखने के लिए लगातार प्रयास करे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले यमुना संवाद हमने करा था, जिसमें शहर के सभी प्रबुद्ध जनों ने यमुना जी के प्रदूषण के कुछ कारण बताए थे। उनमें से एक प्रमुख कारण यही था कि जो हमारे एसटीपीज हैं, नगर निगम जिनको चलाता है, नगर निगम क्षेत्र में हैं, उनका संचालन ठीक से नहीं हो रहा है। कई तरह की शिकायतें थी, तो आज औचक रूप से मजिस्ट्रेट के साथ मैंने आके यहाँ की पूरी व्यवस्था देखी, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ये लोग रख रहे हैं और किस प्रकार से जो स्लज आता है पंपिंग स्टेशन से उसको किस तरह से ये लोग साफ करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं उसका, और कैसे उसको वापस यमुना जी की तरफ भेजते हैं। कुछ कमियां यहां पे निकल कर आई हैं, जैसे जो इनका पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, अगर इनसे पिछले कई दिनों का मांगा जाए तो उसमें है ये लोग पूरी तरीके से उसको नहीं दे पा रहे थे कि कितना इन्होंने केमिकल ऐड करा है। क्लोरीनेशन प्लांट में भी इसी तरह की कमी थी, इस बात का आकलन करने का कोई तरीका इन्होंने नहीं रखा हुआ है कि कितनी क्लोरीन किस दिन में इसमें ऐड करी गई। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों को बढ़ाने की आवश्यकता है, उनके फुटेजेस को लगातार देखने की आवश्यकता है। इन्होंने कुछ प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी लगा रखे हैं, लेकिन जो क्रिटिकल बिंदु हैं जहाँ पे पंपिंग स्टेशन से आके पानी मिल गिरता है या बाहर निकलता है या केमिकल जोड़े जाते हैं, उन बेसिक पॉइंट्स पे सीसीटीवी लगना ज़रूरी है। तो इसको इनको आज निर्देश दिया गया है और लगातार न केवल मसानी वाले बल्कि अन्य जो एसटीपीज़ हैं हमारे, उनको भी हम लोग इसी तरह चेक करेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यमुना जी में जो जल छोड़ा जा रहा है जो पंपिंग स्टेशन से, उसको साफ करके छोड़ा जाए और एसटीपी अपनी जो निर्धारित मानक है उसके अनुसार।